हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। ये आपके लिए पावर टेनिस कॉम्बैट सॉल्यूशन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक ब्रिज कन्वर्टर गिवन था, फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर गिवन था, और मैं बोला था कि शॉर्ट सर्किट अगर ये थायरिस्टर हो जाए ड्यू टू फॉल्ट, आपको निकालना था एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट और लोड करंट कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री के कारण आप देख रहे हो 10 एम्पियर है। बहुत सारे लोग आंसर दिए, मैं देखा बहुत सारे लोग फटाफट सॉल्व किए, कुछ लोगों से मिस्टेक हो गया, कुछ लोग सोच के रखे थे कि एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट वी नो दैट ऑलवेज जीरो, कुछ लोग सोच के रखे थे कि एवरेज वैल्यू हाफ हो जाता है तो वो लोग 5 एम्पियर, बट द करेक्ट आंसर एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करेंट इज इक्वल टू -5 एम्पियर। सोर्स करंट का जो एवरेज वैल्यू था -5 एम्पियर था। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आज तक तो जितने क्वेश्चन आज तक आप सॉल्व किए, किसी का सोर्स करंट का एवरेज वैल्यू नेगेटिव नहीं आया, हर बार पॉजिटिव आया तो जीरो आया। तो जैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ देखो ये T1 है, ये T2 है, जो भी आपके पास नोटेशन आप यूज कर रहे हो, तो अगर मैं बोलूँ कि देखो प्रिंसिपल जब भी आपके पास ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इसका फायरिंग एंगल अल्फा होता है और 2π+α होता है, इसका आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्फा और 2π+α, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करते हैं, इसका पाई प्लस अल्फा और 3π+α। तो इसको देखने के बाद आपको दिख जाएगा कि क्या क्या वैल्यू है, पाई प्लस अल्फा और 3π+α। तो हमको दिख गया कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री और पाई प्लस अल्फा 210 है। ये एक ही लाइन में रखे हुए थायरिस्टर के बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, और ये थायरिस्टर भी कंडक्ट 180 के लिए करते हैं, एक अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करता है, दूसरा पाई प्लस अल्फा से लेके 2π+α तक कंडक्ट करता है, तो थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल 180 है इन जनरल। और अभी यहां से पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब होता क्या आपके पास कि अगर हम बात करें कि अगर कोई फॉल्ट ना हो और मेरे को सोर्स करंट का फिगर बनाना हो, तो मेरे को पता रहता है आपके पास कि सोर्स करंट का फिगर कैसे बनता है। सोर्स करंट का फिगर होता है कि जब भी आपके पास कंसेप्ट कितना है, कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब भी T1 T2 ऑन रहेगा, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट क्या है, बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, आपको ब्रिज कन्वर्टर का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या है पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट यह है कि जब भी T1 T2 ऑन होंगे उन T1 T2 का जो थायरिस्टर करंट होगा वो थायरिस्टर करंट लोड करंट के बराबर होगा और वो सोर्स करंट के बराबर होगा, ये स्टाइल है। और वी नॉट की वैल्यू वी एस होगा, उस केस में वी नॉट की वैल्यू वी एस होगा। सेकेंड स्टाइल होता है कि जब भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट के थायरिस्टर ऑन होंगे, T3 और T4 ऑन होगा, वी नॉट -VS होगा, और थायरिस्टर करंट की वैल्यू IT3 और IT4 की वैल्यू ये लोड करंट के बराबर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सोर्स करंट अपोजिट ऑफ लोड करंट होगा, इज द कंसेप्ट। इसका मतलब है कि अल्फा भी ट्रिगर्ड कर रहा है, तो अल्फा भी ट्रिगर्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि अल्फा के पहले ये आपके पास होगा, दिस वन, ये इसका मतलब है कि ये अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, विदाउट फॉल्ट की बात कर रहा हूं, 2π+α 3π+α ये। और इसकी अगर मैं बोलूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट कितना होगा, तो जीरो है ये, क्योंकि पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया है, I0 -I0 ये IS, इसका एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट, यहाँ पे T1 T2 ऑन है, यहाँ पे T3 T4 ऑन है, यहाँ पे T1 T2 ऑन है, ये पेयर यहाँ पे फिर से T3 T4 ऑन है, यहाँ पे T1 T2 ऑन है, यहाँ पे T3 T4 है, दिस स्टाइल, तो एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट इज जीरो। तो अब अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट अगर पूछता और बिना फॉल्ट की बात करता, तो इंडिया के मैक्सिमम लोग आंसर जीरो आता और वो सही आंसर होता। मैं थोड़ा सा चेंज क्या किया, मैं बोला कि ये शॉर्ट सर्किट है ड्यू टू फॉल्ट। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ ये कि जब आपके पास इसके बारे में बात होगी, T3 और T4 के बारे में बात होगी, जब ये कंडक्ट करते तो मैं तो कंडक्ट मान लिया, मैं तो बोल दिया शॉर्ट सर्किट, मतलब ऑन ही तो हो गया। इसका मतलब है कि पाई प्लस अल्फा से लेके 2π+α वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम पाई प्लस अल्फा से लेके 2π+α वाले रीजन में वैसे भी ऑन करते हैं और वो वैसे भी ऑन है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले जगह पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क, ये रीजन जो होगा सेम रीजन होगा, नो चेंज होगा, कहाँ पे, पाई प्लस अल्फा से लेके 2π+α में, क्यों, क्योंकि पाई प्लस अल्फा से लेके 2π+α में थायरिस्टर ऑन होता है, हम तो बोल रहे हैं ऑन है वैसे भी हो फॉल्ट के कारण, बट जब ये दोनों ऑन होंगे अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा में, जब ये दोनों ऑन होंगे तो जैसे ही ऑन हो गया ये तो पूरा का पूरा आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसको आप बोल सकते हो कि ये तो ऐसा हो गया जैसे वर्चुअल फ्रीविलिंग एक्शन होता है, पूरा का पूरा आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड, आउटपुट वोल्टेज विल बी जीरो। अब क्या होगा, करंट इसी में फ्लो होते रहेगा। अब करंट जब इसी में फ्लो होते रहेगा, IT2 और IT3 का करंट इसी में जब फ्लो होते रहेगा, तो फिर सोर्स करंट की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि अगर आप सोर्स करंट की बात यहां पे कर रहे हो, ये सोर्स करंट
इज द सोर्स करंट, इस जगह पे जब आप हो तो यहां से जो करंट जाएगा वही करंट यहां से जाएगा और वो लोड करंट के बराबर होगा, इसमें भी 10 इसमें भी 10, दिस ये जो दो थायरिस्टर दिख रहे हैं ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, क्यों, ये ऑलरेडी ऑन था, ये तो ऑन होगा ना अल्फा पे, ये दोनों अल्फा पे ऑन होते हैं, तो इसके कारण आउटपुट करंट यहां फ्लो होगा और सोर्स करंट इस जगह पे अगर आप नोट लगाने चले भी गए तो इस जगह पे जो करंट होगा आपके पास ये 10 एम्पियर यहां से जा रहा है, यही 10 एम्पियर यहां से भी जाएगा, इसका मतलब है कि सोर्स करंट की वैल्यू कितना होगा यहां से 0 एम्पियर, तो इस रीजन में सोर्स करंट की वैल्यू 0 होगा क्योंकि इसमें फॉल्ट आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप बोल रहे इसमें फॉल्ट आ गया तो फिर सोर्स करंट का ये अलग रीजन गया, इसका मतलब है आप इस वाले रीजन को हटा दो इसमें से, तो जितना पॉजिटिव रीजन है उतना पॉजिटिव रीजन कैंसिल आउट, ये दिस वन, क्यों, क्योंकि यहां पे ना आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड हो रहे, ये ऐसा हो रहा है जैसे वर्चुअल फ्री विलिंग एक्शन होता है, ये कैसे हो रहा है आपके पास, लाइक वर्चुअल फ्री विलिंग एक्शन, और इस वर्चुअल फ्री विलिंग एक्शन में पूरा करंट लोड में फ्लो हो रहा है ड्यू टू थायरिस्टर, सोर्स करंट विल बी 0, तो देखो आपके पास ये गया, इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्ट के कारण फिर फिगर कैसे बना, तो फॉल्ट के कारण जो फिगर बना आपके पास वो ऐसे बना कि आप मान लो कि ये पहले आपके पास माइनस आई नॉट था, माइनस 10 एम्पियर ये, और अल्फा पे ये अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक वो रीजन गया, और फिर पाई प्लस अल्फा से फिर आपके पास माइनस 10 हुआ, द 2π+α, ये 2π+α, फिर आपके पास ये 3π+α, ये 0, ये स्टाइल, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप अगर बोल रहे हो कि देखो पाई प्लस अल्फा से लेकर 3π+α तक, या आपके पास ये टाइम पीरियड लेना है तो टाइम पीरियड तो 2π दिख रहा है आपको, टाइम पीरियड इज 2π, यहाँ से यहाँ तक भी देखना है तो मेरे को टाइम पीरियड इज 2π, ये इतना आपके पास है, ये सोर्स करंट का फिगर हुआ, कब, जब फॉल्ट इन्वॉल्व हो गया, जब फॉल्ट इन्वॉल्व हो गया, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट कितना है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ सोर्स करंट है एरिया अपॉन टाइम पीरियड, और एरिया नेगेटिव होगा क्योंकि आपका जो हाइट है वो नेगेटिव है, तो माइनस आई नॉट, और ये जो ऑन टाइम है इसका ये जो आपके पास ये पेयर है ये कितना है, पाई प्लस अल्फा से 2π+α π, 2π+α में से पाई प्लस अल्फा माइनस कर दो तो पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है 2π, तो आंसर हो गया -10/2 और आंसर हो गया -5 एम्पियर, सोचो जितने लोग भी -5 एम्पियर आंसर दिए इज वेरी गुड, क्योंकि ये तो नया क्वेश्चन हुआ, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आज तक नहीं आया, अगर मैं ये फॉल्ट ना अगर उधर वाले में कर देता, किस वाले में, T1 T2 में, तो फिर क्या होता, ये जो नो चेंज लिखा है ये वाला कैंसिल होता और ये आता, अगर मैं फॉल्ट उसमें बोल देता तो फिर ये वाला आता और फिर आंसर कितना होता आपके पास 5 एम्पियर, आंसर कितना होता 5 एम्पियर होता। एक और बात कर सकते हैं कि मैं बोलूं कि देखो इसको शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं तो फिर आंसर -5 आया, इसको शॉर्ट सर्किट करता तो आंसर +5 हो जाता, अगर मैं T3 को ओपन सर्किट कर दूं ड्यू टू फॉल्ट, तो T3 को अगर मैं ओपन सर्किट कर दूं ड्यू टू फॉल्ट तो ये तो कभी कंडक्ट ही नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जब भी T1 T2 कंडक्ट करेंगे सोर्स करंट इक्वल टू लोड करंट होगा, और जब भी T3 T4 की बारी आएगी सोर्स करंट आपके पास 0 हो जाएगा, इसका मतलब है अगर आप शॉर्ट सर्किट को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो तो आंसर विल बी I0/2 5 एम्पियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो आंसर -5 एम्पियर, अगर ये ओपन सर्किट होता तो आंसर 5 एम्पियर होता, अगर आप इसको इस वाले को अगर आप शॉर्ट सर्किट कर लेते तो आंसर 5 एम्पियर आता, अगर आप इस वाले को ओपन सर्किट कर लो तो आंसर आएगा -5 एम्पियर, तो इसको शॉर्ट आंसर 5, इसको ओपन आंसर -5, इसको शॉर्ट आंसर -5, इसको ओपन आंसर 5, कुछ भी चेंज कर सकते हो आपकी जो इच्छा, तो ऐसे ही तो न्यू क्वेश्चन आपको बनना चाहिए जहां पे आप अपने कंसेप्ट की बात कर सके, अपने पूरे पॉइंट्स को रख सके, इसलिए जितने लोग आंसर -10 -5 आया था इज वेरी गुड, जो लोग 0 बोल रहे थे वो लोग हमेशा केयर करे कंसेप्ट का, रिजल्ट बेस पे ना जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट का क्वेश्चन बहुत अच्छा कंसेप्चुअल फ्रेम होता है, तो अगर आप चाहते हो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक इजी सब्जेक्ट हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आपसे इजीली हैंडल हो, तो आपका थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी गुड, ओके, तो आप केयर करना, और मैं तो ट्राई करूंगा जितना डिस्कशन होगा, देखो मैं इतने सब पॉइंट नोट कर लो, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, कॉपी में ना ये पूरे पॉइंट्स नोट कर लेता, ये शॉर्ट सर्किट में -5, ये ओपन सर्किट में 5, ये शॉर्ट सर्किट में 5 और ये ओपन सर्किट में -5, सब बात कर डालता, हो गया, कल कोई क्या पूछ लेगा, जो पूछेगा अपन उसका आंसर दे देंगे, जिसको जो पूछना है पूछ ले, अपन इतना अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे थॉट प्रोसेस का कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन इजीली हैंडल कर लेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये सब्जेक्ट तो मैं सबका एकदम आसान सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकूं, सबका गुड थॉट प्रोसेस कर सकूं, जब आपका गेट का पेपर होगा
तो मैं देखना चाहूंगा कि लोग पावर टाइम्स को कैसा अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कंबेट में मिलेंगे आपके पास। आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बताओगे कि आपको कितना मजा आया, आपको डिस्कशन कितना अच्छा लगा, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप रखिएगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स को, देखूंगा कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।